सोई नहीं माँ। आज आपके साथ सो जाऊं, आपको अकेला नहीं लगेगा। उस घर में मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना? तुम्हें क्या लगता है ठीक हो जाएगा? सब कहते हैं हार्ट की बीमारी होती है तो आसानी से ठीक नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है ठीक होकर आ जाएंगे, है ना? उन्हें कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं? हार्ट अटैक आया उनको? हार्ट अटैक का मतलब जानती हो ना, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ उन्हें? मां, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप इतनी परेशान हो। भानक जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि माइनर अटैक है, आजकल गलत फूड हैबिट्स और स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, ये सब तो बहुत ले रहे थे आजकल। खाने पीने पे भी ध्यान नहीं था उनका। कुछ नहीं होगा उन्हें माँ, आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए माँ। ये भगवान, अभी मैं रौनक जी के किए कराए पे पानी फिर देती। उस आदमी की वजह से जाने माँ को क्या क्या झेलना होगा। और क्या क्या झेलने पे मजबूर करेंगे आप बताइए ना हमें। बचवा, मैं किसी को भी कुछ भी झेलने पे मजबूर नहीं करता। चले ठीक है, अगर आप इतने ही ना समझ हैं सिंह साहब, ठीक है कोई बात नहीं। पल के लिए भूल जाते हैं आपके इस कोठे के इतिहास को, और सोचिए माँ ने भी आपको माफ कर दिया। आपको इन सब के बारे में माँ को बताने की कोई जरूरत नहीं, हमने ऐसा सब मिटा दिया। बस आपको माँ को बताना है अपनी जया और तीसरी बेटी के बारे में। बताएंगे ना सिंह साहब, बोलेंगे ना माँ से कि सात वचनों में से बाकी वचनों का तो पता नहीं, पर सातवां वचन हमने तोड़ दिया जिसका सबूत है वो सात साल की बेटी, आपकी बेटी। गलती तो सर हमारी मां ने की, आप पे विश्वास करके, भरोसा करके आपने विश्वासघात किया, पर अब बस बहुत हो गया। अब हमारी मां आपको नहीं पूछेगी, नहीं भगवान मानेगी, नहीं इस भ्रम में जिएगी, क्योंकि अब आपको उन्हें बताना ही होगा अपने कुकर्मों का, जो जो, जो सब कुछ आपने किया सब कुछ बताना होगा। नहीं बताऊंगा, जो करना कर ले। हमको चैलेंज जा रहे हैं आप, रौनक सिंह को चैलेंज जा रहे हैं आप, तो ठीक है आपके कुकर्मों का सच, शादी के सात वचनों का सच अगर आपने मां को सात दिनों में नहीं बताया, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप खुद होंगे सिंह साहब, आप खुद। तक आए क्यों नहीं माँ? रौनक जी का फोन आया था, वो पापा को घर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, चलो अच्छी खबर है। अच्छा अब ये घर आ रहे हैं तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। इनके खाने पीने का खास ध्यान रखना, इनके खाने में ज्यादा तेल, घी, ज्यादा चीनी, नमक ना हो, उबला हुआ खाना देना होगा, तभी इनका हार्ट ठीक होगा। हाँ भाभी, अब बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने भी अपने भाई के लिए पूजा प्रार्थना की है। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस उनके रास्ते में अब कोई और नई चिंता ना आ जाए। और एक और बात करनी थी, सबसे खास बात जो कि यह है कि कोई भी इनके सामने बेकार की बातें ना करें,
किसी को भी अगर कोई पूछताछ करनी हो, सवाल जवाब करना हो तो मेरे पास आए, उनके पास ना जाए। मैं नहीं चाहती कि इन्हें किसी भी तरह की टेंशन हो, है ना? समझ में आ गई सबको बात? आइए आइए, पधारिए सिंह साहब। आरती की थाल लेके आना। तो परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल, रात भर सब कुछ नॉर्मल हो गया है। क्यों, ठीक है ना? हाँ, थोड़ी वीकनेस ही लग रही है, अपने कमरे में जाने का दिल कर रहा है। जा कमरे में ले जा। चलिए चलिए, आइए आइए आइए। ये ऐसे रूम में नहीं जा सकते। अरे इंट्रोडक्शन तो दीजिए भाई, मेहमान आए हैं। शौक लगा हुआ है नहीं, यहाँ अचानक देखकर। ऐसे भी हमें लगता है ये जानते हैं। क्यों? देखो, आपके आने की खुशी में और तबीयत के टेंशन में मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये जया है, पत्नी है। रौनक के दोस्त की। उसका जो दोस्त है ना, एक नंबर का शैतान है। चारी को डरा धमका के रखा था। बड़े घर का है तो सोचता है अपनी मनमर्जी करेगा,
बेचारी इतनी डरी हुई थी जब यहाँ आई थी, पता है आपको? इसीलिए जब इसने आवाज उठाया ना, तो मैंने सुना हाथ भी उठाया था उसने। तो कुछ दिन यही रहेगी अब बेचारी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रहने क्या एतराज होगा माँ, वैसे भी ये बहुत देवता टाइप इंसान है, नेक काम करते रहता है, आपको तो एतराज नहीं होगा ना? होगा एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई है तो रहे। कमजोरी महसूस हो रही है, कमरे में थोड़ा सा। नहीं नहीं, चलिए चलिए कमरे में चलिए, आइए। सर्दी लग रही है, कैसी लग रही है? मम्मा पापा कहाँ हैं? मैंने अभी अभी उनकी आवाज सुनी थी। नहीं बेटा, पापा यहाँ नहीं है। डॉक्टर को बुला के लाना। देख, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था ये ऐसे कप कप आएंगे, ये सब नॉर्मल है, इनको एसी में पसीने आएंगे। वो क्या है कि माइनर अटैक आया था ना, तो जोर से झटका लगा है। वैसे टेंशन मत ले माँ, और वैसे भी सिंह साहब को ऐसे अटैक झेलने की आदत सी है, और नहीं भी है तो लग जाएगी। क्यों सिंह साहब? चुप, जब देखो तब मजाक। अरे हम तो ऐसी भावनाओं में बह, हम जो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, बस आराम कीजिए, इनको रिलैक्स आना बहुत जरूरी है। पापा यहाँ कहाँ से आएंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कहीं पापा है। मामा मामा, पापा कहाँ है? हम इनके पास कब जाएंगे? जल्द हम आपको आपके पापा से मिला देंगे। हाँ, इसे बस स्टॉप छोड़ दीजिए, स्कूल की बस आ रही होगी, हमने स्कूल में बात कर ली है। चलो।
यहाँ क्या कर रही है? और आपने मुझे उनको पहचानने से मना क्यों किया? मुझे पता है कि आप ही उनको लाए। वो बच्ची कौन है? बार बार पापा पापा किसको बोल रही थी वो? और दोनों दोनों आपको कहाँ मिले? जयमा से तो इतने सालों से गायब थी ना, कैसे मिल गई आपको? और सरजीव, उनका वो झूठा हार्ट अटैक, वो क्या गुत्थी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर जी के चाल में हम वापस से फंस तो नहीं रहे? चुप, एकदम चुप। क्यों, क्या कर रही है? चुप। हाँ, मैं तो ऑक्सीजन। अच्छा, तुम भी वो स्टोरी जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ? ठीक है, हम बताते हैं, बैठ, बताते हैं, बताते हैं, बैठ जाओ। सुनो, कोई तो कहानी है तुम्हारी। कपड़े और गहनों से तो लगती है तू बड़े घर की है, सुंदर भी है, फिर क्यों छोड़ दिया तेरे पति ने तुझे? हा? पक्का तेरे पति का बाहर चक्कर चल रहा होगा। खैर, मुझे क्या लेना देना इन बातों से, ये ले पकड़, इसे लेके जा ऊपर और भैया के कमरे में रख दे। सुन, ऊपर से गायत्री भाभी को नीचे भेजना, क्योंकि वो ही बताएंगी कि भैया के लिए भोजन में क्या बनेगा। जी। कौन है? जी, मैं जया। हाँ, आ जाओ जया, अंदर आ जाओ। वो लौकी का जूस लाए थे। अरे, तुमने क्यों तकलीफ की? लवली डॉली को बोल देती ना। नीचे दीदी ने कहा कि ले जाओ, तो मैं ले आई। दीदी ने आपको नीचे बुलाया है, पूछ रही है कि खाने में क्या बनाना है। अरे हाँ, आज तो इनका अलग खाना बनेगा ना। सुनिए, जूस पी लीजिए, उठिए, आराम से पी लीजिए। बहुत कड़वा होता है। पूरा खत्म करना। हाँ, मैं किचन का देख के आती हूँ। जया, देखना ये पूरा पी ले। हाँ।